हल्द्वानी और देहरादून ही नहीं, काशीपुर में भी बैंक हड़ताल का असर दिखाई दिया। अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बैंकों के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने कहा कि निजीकरण की वजह से करीब 15 लाख बैंक कर्मियों की सेवा खतरे में है, जनता को भारी नुकसान पहुंचेगा, बैंक कर्मी पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करना नामुमकिन है। बात यह मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो एक मंशा थी सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की, आज वो इतने खराब तरीके से सामने आ चुकी है कि सरकार बैंक जैसी एक बड़ी जो स्ट्रीम है, जो इस देश की जीवन धारा मानी आप एक तरीके से, क्योंकि आम आदमी को जो ऋण की सुविधाएं होती हैं, उसको जो जमा की सुविधाएं होती हैं, और जिस तरीके से सरकारी बैंकों में आम आदमी को जो सुविधा मिलती है वो निजीकरण होने के बाद में संभवतः नहीं मिल पाएगी, आम आदमी को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। तो निजीकरण से न सिर्फ जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि इससे उनको भी नुकसान होगा, उनकी नौकरी खतरे में होगी, यही वजह है कि बैंक कर्मियों में हड़ताल का ऐलान तमाम यूनियन की तरफ से किया गया था और बैंक कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। निजीकरण के फैसले को सुनने के बाद से ही लगातार विरोध किया जा रहा है, अलग अलग हिस्सों में विरोध का असर भी दिखाई दिया। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से लोग जहां परेशान हैं, बैंकों में लेन देन नहीं हो पा रहा है, किसी के चेक क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो बैंक कर्मी हैं उनका कहना है पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएंगे, ऐसे में ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, निजीकरण के फैसले को वापस लेना ही होगा। आपको बता दें कि 28 राष्ट्रीय बैंक थे जिनके निजीकरण के बाद अब 12 बैंक ही राष्ट्रीय बैंक बचे हुए हैं। अब ऐसे में उनका भी निजीकरण अगर कर दिया जाएगा तो फिर आम जनता को तमाम समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। बैंक कर्मियों को अपनी नौकरी जाने का खतरा सता रहा है, यही वजह है कि IDBI बैंक से लेकर वो तमाम बैंक जिनके नाम चर्चा में हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र बैंक हो या फिर दूसरे, नाम चर्चा में आने के बाद से ही इन बैंक कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है कि किसी की भी नौकरी जा सकती है। ऐसे में अपनी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए तमाम यूनियन अपना सहयोग दे रहे हैं। इस फैसले के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल बुलाई गई है। निजीकरण से न सिर्फ बैंक कर्मियों को नुकसान उठाना पड़ेगा बल्कि आम जनता को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बैंक कर्मियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ना सिर्फ अपने हितों के लिए बल्कि आम जनता के हितों के लिए भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को साथ आना चाहिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नेतृत्व में 9 यूनियन इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं इस हड़ताल। वह उत्तराखंड में दूसरे दिन भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिससे आम जनता को लेन देन को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में पहले दिन बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध करते हुए जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो बैंक कर्मियों के अधिकारों का हनन होगा, केंद्र सरकार को अपने फैसले को वापस लेना चाहिए, सरकार अपना निर्णय नहीं बदलती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए वो मजबूर होंगे। प्राइवेटाइजेशन को लेकर यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं बैंक कर्मी। हमारी रणनीति ये है कि जो सरकार देश की तमाम सार्वजनिक संपत्तियां बेचने जा रही है, जिसको आम जनता के पैसे से बहुत मेहनत और बहुत लंबे समय के साथ खड़ा किया गया था, उसको औने पौने दामों में कॉरपोरेट घरानों को बेचा जा रहा है। उसको बेचने से पहले इसी सरकार ने पिछले 4 साल में 8 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 80% हिस्सा कॉरपोरेट घरानों का था, उनका लोन राइट ऑफ किया है। हम बैंक वाले हर साल
पिछले 6 सालों से 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपया ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। अब वो सारा पैसा पहले तो आपने कॉरपोरेट घरानों को दे दिया, उसके बाद भी सरकार चलाना आपके लिए जब मुश्किल होना लगा तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति, सरकार की आर्थिक स्थिति को पटरी पे लाने के लिए संपत्तियों को ही बेचने जा रहे हो। तो बैंक कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है और इसका असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है जिन्हें कैश का लेन देन करना है। एटीएम मशीन के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जो एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बैंकों का निजीकरण बंद करो का बैनर लिए तमाम बैंक कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है ये। 9 यूनियन इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो यूनियन है उसके नेतृत्व में इसका यह हड़ताल जारी है। 9 यूनियन अपना सहयोग दे रही हैं बैंक कर्मियों के हड़ताल में। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि बैंकों के निजीकरण के फैसले को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान ही ये कहा गया था कि IDBI के अलावा 2 और बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक की तरफ से ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सागर जुड़ गए हैं। सागर, निजीकरण के फैसले के विरोध में लगातार बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ता को परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल निश्चित ही, क्योंकि निजीकरण के फैसले के चलते जो है वो लगातार बैंक कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है। सरकारी बैंकों के कहीं कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है, जिसके चलते जो है वो तमाम जो कार्य था बैंक में उसको जो है वो बंद किया गया है। ऐसे में स्वाभाविक की बात है कि लोग क्या होना, और जैसा कि कल से ये जो हड़ताल है ये शुरू हुई थी और आज तक ये हड़ताल चलेगी। देखिए, लगातार उनकी मांग है कर्मचारियों की कि बैंकों का निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बेरोजगारी बढ़ेगी और उनको भी जो है वो नौकरी की किल्लत से जूझना पड़ेगा। इसी के चलते जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया है और धरना प्रदर्शन आज तक जारी रहेगा। और ये सिर्फ एक चेताने वाली बात है कि सरकार जो है वो बैंकों का निजीकरण ना करे, और अगर सरकार तब भी अगर संजीदा नहीं होती है तो आगामी आने वाले समय में आगामी आने वाले समय भी ये लोग जो है वो धरना प्रदर्शन पर रहेंगे और हड़ताल पर रहेंगे। जी, लेकिन क्या लग रहा है आपको इस तरह से हड़ताल पर चले जाने से लोगों को जो परेशानी हो रही है और बैंक को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी लेंगे ये लोग? बिल्कुल, काफी अहम ये सवाल है, क्योंकि जैसा कि 2 दिन तक हड़ताल है ऐसे में तमाम समस्याएं लोगों को आना स्वाभाविक सी बात है। और अगर बात करें बैंकों की नुकसान की तो बैंकों को नुकसान भी जो है वो भी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 2 दिन तक इस हड़ताल को चलना है, और ये हड़ताल केवल जो है वो सरकार को चेताने का काम जो है वो बैंक कर्मचारी कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। हालांकि लोगों को परेशानियां होना स्वाभाविक सी बात है। अब ऐसे में 2 दिन तक ये हड़ताल चली है, 2 दिन तक इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सरकार अभी भी नहीं देती तो आगामी आने वाले समय में ये जो है वो बड़ी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। मतलब साफ है कि, लेकिन सागर, बैंक को बंद ना करके दूसरे तरीके से हड़ताल किया जा सकता था। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनको ज्यादा जरूरी काम है, बैंक में वो जा रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है कि बैंक बंद है। ऐसे में वो कहाँ जाए? एक व्यक्ति बैंक में अपना पैसा रखता है कि जब जरूरत हो वो अपने पैसे को इस्तेमाल कर सके, बैंक से निकाल सके, लेकिन जब बैंक बंद रहेंगे तो फिर ऐसे में क्या फायदा उसे बैंक में पैसे रखने का? जी बिल्कुल पूजा, काफी अहम ये सवाल है, क्योंकि व्यक्ति बैंक में पैसे रखता है और अपनी जरूरत के हिसाब से जो है वो उस पैसे को निकालता है। निश्चित ही अगर इस 2 दिन के अंदर अगर किसी को जरूरत पड़ जाती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको जो है वो काफी परेशानियों से 2-4 होना पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बैंक कर्मचारियों की अब किस वजह से वो हड़ताल पे गए, ये वो जैसा मैंने बताया कि वो सरकार को चेताने का काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास रास्ते तमाम थे सरकार को चेताने के। लेकिन ये 2 दिन तक हड़ताल पे जाना निश्चित ही एक बड़ा सवाल है। हालांकि जैसा मैंने बताया कि आगामी समय में बड़ी हड़ताल भी कर सकते हैं वो। अभी कल ये हड़ताल शुरू हुई थी, आज तक ये हड़ताल जारी है,
अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जो है वो निजीकरण को लेकर कुछ फैसला लेती है इनके हड़ताल पर जाने के बाद, या फिर ये हड़ताल ऐसे ही इन्हें हड़ताल से जो है वो संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन बैंक कर्मचारी जो है वो पीछे हटने को पूरा तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सरकार फैसला नहीं लेगी तो आगामी आने वाले समय में वो बड़ी हड़ताल कर सकते हैं। मतलब साफ है कि और परेशानी, यानी कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सागर। वही हल्द्वानी में भी दो दिवसीय बैंक हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने नैनीताल रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा केंद्र के बजट पेश करने के दौरान सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाना हमारे अधिकारों का हनन है, जिसे कोई भी बैंक कर्मी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। बैंक के निजीकरण से आम आदमी को काफी नुकसान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने दोनों ने घोषणा की कि दो जो पीएसयू बैंक हैं उनके निजीकरण की, उनका अभी नाम आउट नहीं किया उन्होंने, बट उनका डिसीजन है कि वो दो बैंकों का निजीकरण करेंगे, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए साहब, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से विदित हैं कि सरकार द्वारा अभी हाल के बजट की जो घोषणा की गई उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की बात कही गई है। आज सरकार डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से बैंकों के निजीकरण की बात कर रही है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, बैंक अपनी नाकामी को और अपने घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं।